ईद उल फित्र के मौके पर आज तुर्बे नाका अम्बेडकर नगर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। यहां शहर प्रमुख विजय माने, कमलेश परमार और विभाग प्रमुख तैयब पटेल खासतौर पर मौजूद थे। देखिए झलकियां। रमजान ईद के उपलक्ष्य में आज नवी मुंबई तुर्बे के अंबेडकर नगर में शिवसेना विभाग प्रमुख तैयब पटेल एवं स्थानीय शिवसैनिकों ने दावते इफ्तार का आयोजन किया। इस अवसर पर शहर प्रमुख विजय माने, उत्तर भारतीय सेल शिवसेना के जिला अध्यक्ष कमलेश वर्मा समेत कई पदाधिकारी और मुस्लिम बांधव मौजूद थे। यहाँ एक दूसरे को खजूर खिलाकर इफ्तार किया गया। इफ्तार पार्टी के आयोजक और शिवसेना पदाधिकारियों ने ईद की बधाई देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। मी सर्व मुस्लिम बांधवांना शुभेच्छा आणि तय्यबला पण शिवसेनेच्या वतीने, नाटासाहेबांच्या वतीने खरोखर त्याचा अभिनंदन करतो, कारण या शाखेच्या समोर शाखेमध्ये आज इफ्तार पार्टी ठेवली। म्हणजे शिवसेना प्रमुख प्रत्येक वेळेला सांगायचं, शिवसेना एक असा पक्ष आहे कुठल्या जाती धर्माच्या विरोधात नाही। आज तय्यब पटेल असतील, कमलेश वर्मा असतील, शिवसेनेमध्ये नाटासाहेबांच्या बरोबर गेल्या 2 वर्ष करोनासारख्या महामारीमध्ये तय्यब असेल एवढं चांगलं काम या विभागामध्ये केलं। आणि तय्यब खरोखर तुला शिवसेना नवी मुंबईच्या वतीने व नाटासाहेबांच्या वतीने तुझं अभिनंदन करतो की गेली 12 वर्षापासून सातत्यानं आता इतर मंडळी म्हणजे आज सर्व मुस्लिम बांधवले एकत्र करून हा कार्यक्रमाचं तू आयोजन केलं, भव्य दिव्य असा कार्यक्रम केला। हे रमजान का महिना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टंट महिना रहता है। यहाँ पे हम पूरे महिना नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, दुआ करना, लोगों की भलाई के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ हम लोग रमज़ान के महीने में पवित्र पवित्र महीना बोले जाते हैं। इस महीने को, इस महीने में हम लोग दिन रात ऊपर वालों को पूछते हैं, उनकी दुआ उनके लिए दुआ करते हैं, हमारे घर वालों को दुआ करते हैं, एरिया के लोगों के लिए दुआ करते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए दुआ करते हैं, वो दुआ कबूल होती है। इसलिए ये रमज़ान का महीना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट महीना है। और दूसरी बात ऐसा है कि आज इफ्तार पार्टी हमने रखा है यहाँ पर, ऐसे काफ़ी सालों से हम यहाँ पर इफ्तार पार्टी रखे हैं। उसी तरीके से दिवाली में हम लोग हमारे जो तुर्बे इलाके में स्लम एरिया है वहाँ पर हमने फराल का सामान बांटा हुआ है। अभी जो गए दो साल पहले हम लोग ने ईद के टाइम पर हमने सुरकुंभा का सामान बांटा हुआ है, उसमें हमारा सेवा होगा, दूध होगा, सारे हम लोग ने किट बना के हम लोग घर में पहुँचाया है। जिस घर में रमजान नहीं बनता था और रमजान ईद नहीं होती थी, उस तरीके से हम लोग ने घरों घरों में पहुँचा कर उनकी ईद कैसे किया जाएगा, उस तरीके से हमारा वो धोरण था, हमने वो धोरण पार किया। मुस्लिम समाज का हो या हिंदू समाज का हो, हम लोग एक पैगाम देना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सब एक भाई है, एक खंधे से खंधा लगाकर चलने वाले हिंदू मुस्लिम एक भाई है। तुर्बेवासी के लोगों को, नई मुंबई के लोगों को मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से मैं ईद की शुभेच्छा देता हूँ। इस रोज़ा इफ्तार पार्टी में सैकड़ों लोगों ने उसका लाभ लिया, उन्हें इस चीज़ का तय्यब पटेल जी को पुण्य मिलेगा, भगवान उन्हें हर एक काम में सफलता दे, भविष्य में वो आगे बढ़े। और इसी कार्यक्रम के लिए हम तमाम शिवसेना के पदाधिकारी उपस्थित हुए थे, और मुसलमान भाइयों के लिए हो या हिंदू भाइयों के लिए हो, प्रत्येक तरीके का कार्यक्रम करते हैं। अनेक कार्यक्रम में हम लोगों ने उनका देखा है आयोजन, बहुत ही अच्छा कार्य उनका रहा, सराहनीय कार्य रहा। मैं तय्यब पटेल जी को और यहाँ के समस्त नई मुंबई के मुस्लिम भाइयों को इस इफ्तार पार्टी के आने पर उनको धन्यवाद देता हूँ और आने वाले समय ईद की शुभेच्छा देता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।